Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। हमीरपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, विधायक नरेंद्र ठाकुर और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाजिरी भरी। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा भाजपा के सदस्य हैं और वे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी है, क्योंकि देश में उनके नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी और एक बार फिर बनेगी। वर्षों से जीत रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी चीज का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कौन कांग्रेस का टिकट लेता है? और कांग्रेस में तो मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से हमने पार्टी के टिकट का ऐलान किया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, उस दिन के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है, हिम्मत नहीं। कुछ लोगों को इधर से पकड़ करके उधर से करके जो है चुनाव लड़ाने की कोशिश है। और इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत है। अनुराग जी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और पूरे देश भर में पार्टी के काम के लिए इनका योगदान रहा है। और उस दृष्टि से अब की बार जहां चारों की चारों जीतेंगे, ये सीटें हम जीतेंगे और हमीरपुर बहुत बड़े अंतर के साथ। सर, किशन कपूर बोला है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो बोला है मैंने सुना नहीं कि क्या बोला उन्होंने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ दोनों के दोनों से हमारी बातचीत हुई और पार्टी का काम। अनिल शर्मा जी को लेकर क्या स्टैंड है पार्टी का? पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के लिए वोट मांगे, हमारे पार्टी की ओर से तो यही है। नहीं, उन्होंने कहा मैं बाहर चला जाऊंगा, बम्बई चला जाऊंगा अपने बेटे के पास। देखिए सारे में जब अभी तक मंडी में कांग्रेस के टिकट का ऐलान हुआ है, एक बार कांग्रेस में जाना परिवार में, ऐसा कई परिवार में पूरे देश भर में है, कुछ परिवार इधर जाते हैं कुछ आधे इधर रहते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन जहाँ तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर चुनाव की बात आई तो अनिल शर्मा जी भाजपा के सदस्य और उम्मीद करते हैं, वो भाजपा के सदस्य के नाते हमारे मंत्रिमंडल में भी है और मंत्रिमंडल में होने के साथ साथ में हम उनसे आग्रह करें कि वो पार्टी के लिए काम करें। अगर वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाने भाग नहीं देते उसके बाद विचार करें। रूठों को मनाने में एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से रजनी शर्मा की रिपोर्ट।